नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और ब्लॉग में। चित्रवंशी स्वागत करता हूँ आपके मेरे ब्लॉग में। मैं अच्छा हूँ, आप सब भी अच्छे होंगे। तो ये वैष्णो देवी ट्रिप का एक और पार्ट है, जहाँ पे हमने अपनी जर्नी स्टिल कंटिन्यू कर रखी है। और मैं इस समय वैष्णो देवी की गलियों में अकेले घूम रहा हूँ, यानी कि मेरी फैमिली अभी ऊपर है। मैं आप टॉयलेट देखने आया हुआ था सबके लिए, क्योंकि वहाँ के टॉयलेट अच्छे नहीं है। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ का व्यू कैसा है। सुबह सुबह 5:30 बजे का व्यू है। सुबह सुबह इतनी अच्छा व्यू है, इतना ठंडा मौसम है, देखिए। तो अभी बज चुके हैं 6:30 और अभी हम वैष्णो देवी के तरफ प्रस्थान कर चुके हैं, यानी कि वैष्णो देवी मंदिर के तरफ। और इस समय एक्सट्रीमली ठंडी हवाएं चल रही है, ह्यूमिडिटी है जो है, आरती चल रही है वैष्णो देवी में, जो आपको सुनाई दे रही होगी। और ये भी कि अभी तक करीबन हम 500 बंदे देख चुके हैं हमारे रूट में, 200 से ज़्यादा लंगूर देख चुके हैं। और जिस बिकॉज ऑफ द फ़ोन मैं वो शूट नहीं कर पाया। और अभी करीबन 3.5 किलोमीटर है, 3.5 किलोमीटर के बाद हम वैष्णो देवी धाम में पहुँच जाएंगे। तो ऑलमोस्ट भवन हमारे पीछे है 2.75, जो कि नहीं दिखाई दे रहा वीडियो में। सो ये इनफाइनाइट हाइट पे पहुंच चुके हम। यहाँ पे हल्का हल्का सा आपको ब्लरी नज़र आ रहा होगा, तो ब्लरी धुंध है। तो जैसे कि यहाँ पर फॉग भी है, और इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे लोगों ने पीछे घर बना रखे है। ये देखिए, यहाँ के एक रिचुअल है कि अगर आप यहाँ पे घर बनाएंगे तो आपका खुद का घर बन जाएगा, जिसमें मैं काफ़ी ज़्यादा बिलीव रखता हूँ। अभी मैं आपको महल दिखाता हूँ जो लोगों ने बनाया है। हाँ, तो ऑलमोस्ट हम पहुँचने वाले हैं, 500 मीटर बचा होगा, प्लस यहाँ पे गाड़ियाँ भी चल रही है। तो वैष्णो देवी में इस टाइम अगर देखा जाए कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, तो अभी का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है। मोड़ में मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मेरे पीछे आपको वैष्णो देवी धाम दिखाई दे रहा होगा, और हम पहुंच चुके हैं वैष्णो देवी धाम। इसकी मतलब ज़्यादा दूर बिल्कुल भी नहीं है। जय माता दी। हाँ, जय माता दी। पहुँच चुके हैं हम ऑलमोस्ट अभी भी ऑलमोस्ट ही है। अब ऑलमोस्ट हम जब पहुँच चुके हैं इतने घंटे के बाद, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। अच्छा लगा। और जो तुम इतनी 200-300 बार रुकी, उसका क्या? मम्मी की वजह से, पता है आपको ट्रिप बहुत बहुत ज्यादा लेट हुई है। ये पूरा व्यू है, ये लाइन देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। वो देखिए लोग दिखाई दे रहे हैं आपको, ये लाइन यहाँ से लेके वहाँ तक। हल्का हल्का रहे हम जा रहे हैं होटल पे, अच्छा सा होटल लेंगे, फिर देखेंगे कि आगे प्लान क्या है। हमने ब्रेकफास्ट लिया और कितना अच्छा व्यू है ऊपर का। तो अभी हम जा रहे हैं वैष्णो देवी दरबार में, और अभी हम नहा चुके हैं, सारे के सारे रेडी हो चुके हैं। दीप सूरज बाहर जा रहे हैं, यानी कि प्रसाद लेने, लेकिन फ़ोन वहाँ पे अलाउड नहीं है, मुझे जो जस्ट अभी पता चला। तो मैं आपसे मिलता हूँ जैसे मैं दर्शन करके। अभी हम जहाँ से आए थे अब हम फिर से वहीं जा रहे हैं, यानी कि सबसे पहले हम जाएंगे अर्धकुआरी से नीचे जाएंगे अपने होटल में, होटल के उधर जाएंगे फिर अपने स्टेशन। तो जैसे कि अभी सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं, और इसके वजह से क्या है कि सारे स्लीपी फील कर रहे हैं। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन है, छोटा सा सॉल्यूशन, जो कि है मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक। तो अभी हम ये पिएंगे
वो थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करेगा। ये जो टॉम दिखाई दे रहा है ये है अर्थ कुंवारी और यहाँ से अभी अभी हम आए हैं ये पूरा रास्ता और अभी हम कटरा के लिए निकल रहे हैं। ऑलमोस्ट 3:30 बज चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं अच्छे खासे क्योंकि अब सीधा हम घर ही जा रहे हैं। तो हम अभी आ रहे थे कि बाण गंगा का जो गेट है वो खुल चुका है क्योंकि पहले नहीं खुल रहा था। बाण गंगा है जो कि मैं आपको बताता हूँ कि बाण गंगा इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि क्या हुआ था जब हनुमान जी माता की सेवा कर रहे थे तो उस समय क्या हुआ था, हनुमान जी ने उनसे बोला था कि उन्हें प्यास लग रही है तो उन्हें जल चाहिए, उन्हें कुछ पीने के लिए चाहिए। कल से धनुष मार के धरती में गंगा जो निकाली थी, जो पानी निकाला था वो गंगा का पानी था और उसी पानी में उनने अपने केश यानी कि हेयर्स धोए थे तो जब से उन्हें बाण गंगा कहते हैं। यहाँ से हल्का सा पानी आ रहा है, सूरज बैठे और ये देखिए लोकेशन देखिए, मतलब उसका जो फ्लोइंग वाटर है देखिए कितना सारा है लेकिन आवाज़ कितनी मछली है। तो ये है छोटा सा बाण गंगा वाटरफॉल, ये वहाँ से आ रहा है, ये हल्का हल्का पानी यहाँ से आ रहा है और इतना साफ पानी कि इसमें मछली भी है। देखिए गंगा जी से अब निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। पहले हमें होटल की कार पिक करने आएगी और फिर हम अपने होटल की तरफ जाएंगे। तो अभी हम नीचे आ चुके हैं अर्धकुंवारी से, 6:20 हो चुके हैं अभी और ऑलमोस्ट 3 घंटा में लग गया था नीचे आने में और शायद ज़्यादा। और अभी हम वैन का वेट कर रहे हैं अपनी जो हमें होटल ले जाएगी। हर एक जगह, कोई एक जगह नहीं थी कि जहाँ मज़ा नहीं आया। हाँ ये हुआ कि कहीं कहीं पे जगह पे और मोस्टली मंदिर में मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि अलाउड नहीं था, किसी को भी अलाउड नहीं था मंदिर में शूट करना। तो हाँ अभी के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा मज़ा आया, एक टाइम ऐसा भी आएगा कि मैं ज़रूर शूट कर पाऊँगा। तो ठीक है, तो अभी तक हमने रेस्ट नहीं करा है, हम सीधा होटल में गए, वहाँ से सीधा हमने खाना पैक करवाया और अब सीधा प्लेटफॉर्म यानी कि स्टेशन पे आ गए हैं। यहाँ पर हमारा वैष्णो देवी यानी कि कटरा जम्मू में हमारा सफ़र ख़त्म हुआ। होप करेंगे कि हम फिर से यहाँ पर जल्द से जल्द मिले, भी कोशिश करेंगे कि फिर से जब आए तो वो टाइम लेके आए। से हम खा रहे हैं पराठा, अच्छा पहुँच चुके अपने घर में और ये देखो कि पहले मिल गया और लिटरली मैं चला ही नहीं जा रहा, इतनी ज़्यादा थाईज में दर्द है, इतना ज़्यादा पीछे दर्द है, हैमस्ट्रिंग में बहुत ज़्यादा दर्द है। घर पहुंच चुके हैं, अरे कहाँ चला आता, ये देखो।